गुस्सा है, किसानों ने 78 धान खरीदी केंद्रों के बाहर चक्का जाम करके हंगामा किया। साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर कड़ी चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि सरकार हमारा धान नहीं खरीदेगी तो पूरे धान को सड़क पर फेंक देंगे। सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बचे हों और खरीदी केंद्रों में न तो संचालक है और न ही कंप्यूटर ऑपरेटर। पटवारी साहब आए थे सुबह, उनको बोला कि हमारा किसान बारदाना में आप खरीदी कर लो, तो बोल रहा है इस प्रकार नहीं होगा, नया बारदाना चाहिए। और किसान काल 20 तारीख आखिरी है, हम लोग ये रास्ते में बैठे रहेंगे जब तक हमारे धान को शासन नहीं लेंगे। बैठे रहेंगे रोड में ऐसी धारणा लेकर। और एक परेशानी है कि हम लोग खुद का गाड़ी तो नहीं है, दूसरों का गाड़ी से किराए में लाए हैं, गाड़ी मालिक भी हर दिन पैसा मांगता है तो डबल देना पड़ रहा है किराया। परंजु क्षेत्र के जो किसान है, सैकड़ों किसान अब देख रहे हैं किस तरह से रोड में खड़ी है। इनका यही एक ही मांग है कि इनके जो धान है, जो इन मेहनत से फसल उगाया है, उनके किसान उन किसानों का धान को प्रदेश सरकार खरीदे, मगर वो अपना फसल को नहीं बेच पा रहे हैं आज तक।